हेलो नमस्ते। पहली वीडियो लॉर्ड सरोज पॉल पर आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको एक और दिलचस्प पॉजिटिव सोच की कहानी बताता हूं। हमने अक्सर बचपन में सुना है कि ये शहर किसी राजा ने बसाया था या ये नगर उस शासक काल में बसा था, पर क्या आपने कभी सुना है कि फैक्ट्री एम्प्लॉयज के लिए किसी ने एक शहर बसा दिया? जी हाँ, कुछ साल पहले रज्जू श्रॉफ की पत्नी ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया। जब रज्जू श्रॉफ का पूरा ध्यान फैक्ट्री की स्थापना पर था, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी का पूरा ध्यान फैक्ट्री की एम्प्लॉयज की बेसिक जरूरतों को पूरा करने पर था। सिर्फ खाना पीना नहीं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, बाजार, सब कुछ बसाया गया और उस शहर को आज हम वापी शहर के नाम से जानते हैं, जो कि गुजरात में है। ये कपल है सेंद्रा और रज्जू श्रॉफ। आपकी सोच कितनी दूर की है यह भी इस कहानी से पता चलता है और उसी का परिणाम है कि आज इनका नाम दुनिया में सातवें नंबर पर है सबसे बड़े खाद्य उत्पादक में। कारोबार लगभग 130 देशों में है और भारत में धनवानों की सूची की बात करें तो इनका नाम 87 नंबर पर दर्ज है। आइए मिलते हैं सेंद्रा और रज्जू श्रॉफ से। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जितने बड़े सपने उतनी बड़ी सफलता। पिछली सदी की शुरुआत में कच्छ गुजरात में रहने वाले दो भाइयों देवीदास भाई और चंदप्राज भाई का कपड़े का व्यवसाय था। सन 1930 की घोर व्यावसायिक मंदी के कारण दोनों भाइयों ने अपने गाय भैंसों के तबेले में सिरदर्द का बाम और हेयर ऑयल का निर्माण व वितरण प्रारंभ कर दिया। सन 1933 में देवीदास भाई के एक पुत्र हुआ, नाम रखा रजनीकांत, जिसे घर के सभी लोग प्यार से रज्जू कहते थे। बालक रज्जू अपने पिता की छोटी सी फैक्ट्री में जाता रहता था। रज्जू को केमिकल से विशेष लगाव हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जब केमिकल्स की भारी कमी हो गई, उस समय श्रॉफ भाई मर्क्यूरी क्लोराइड विकसित कर रहे थे, जिसका उन दिनों यूरोप में बहुत उपयोग होता था, क्योंकि उस समय भारतीय केमिकल उद्योग यहां प्रारंभिक अवस्था में था। इसलिए श्रॉफ भाइयों ने इंग्लैंड में एक केमिकल फैक्ट्री स्थापित करने का निश्चय किया। चूंकि रज्जू को बचपन से ही केमिकल्स बहुत अच्छे लगते थे, उन्होंने सन 1956 में खालसा कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और अपने परिवार की फैक्ट्री के अनुसंधान विभाग में काम करने लगे। कुछ समय बाद जब पहली फैक्ट्री अच्छी तरह स्थापित हो गई और रज्जू को अच्छा खासा अनुभव और ज्ञान हो गया, तो पिता ने उन्हें एक नई कंपनी का कार्यभार सौंप दिया। रज्जू की नई उन्नतिशील केमिकल तकनीक और मर्क्यूरी क्लोराइड निर्माण की नवीन विधि को इतनी प्रसिद्धि मिली कि सन 1957 में उन्हें एक ब्रिटिश कंपनी FW वर्क ने पहली बार उनके उत्पाद पर रॉयल्टी प्रदान की। लंदन में रज्जू के ही पड़ोस में रहने वाली एक लड़की सेंड्रा से रज्जू की मुलाकात हुई। कुछ समय में ही दोनों को लगा कि उनकी भावनाएं व विचार मेल खाते हैं। शीघ्र ही वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सन 1960 में सेंड्रा जब इंग्लैंड से मुंबई आई तो दोनों ने विवाह कर लिया। रज्जू ने मुंबई स्थित अपनी रिसर्च लैब में कम कीमत की रेड फॉस्फोरस विकसित करने की रिसर्च की और पारिवारिक विरोध के बावजूद गुजरात के वापी गांव में सन 1969 में एक केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की, जिसका नाम रखा यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड।
उस समय वापी एक छोटा सा गांव था जहां सिर्फ कुछ परिवार ही रह रहे थे। संचार की कोई सुविधा नहीं थी। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी, श्रमिक, कुछ भी तो नहीं था वहां। उस समय रज्जू ने कुछ काम करने वाले मजदूरों व तकनीशियंस को मुंबई से लाकर वापी में बसाया। चुनौती ऐसी थी कि अगर फैक्ट्री चलानी है तो शहर भी बसाना पड़ेगा। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद रज्जू व पत्नी सेंड्रा कड़ी मेहनत व आशावान तरीके से काम करते रहे। वे अंत में ना ही उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की बल्कि बहुत से लोगों को अपने साथ जोड़कर उस अनजान और सोए हुए से छोटे शहर वापी का इतना विकास किया कि आज वापी शहर व यूनाइटेड फास्फोरस को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। रज्जू व सेंड्रा की आपसी समझ व प्रेम से एक शहर भी फल फूल गया। सीख यह है कि लगातार अपना कार्य करते रहिए, शिकायत मत करिए।